राधे कृष्णा भक्तजनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि यदि आपके दीपक में पूजा के समय फूल बनते हैं तो आपको वो कौन सा एक महत्वपूर्ण काम करना है जिसके कारण आपको इस दीपक में बन रहे फूल का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दीपक में फूल बनने का मतलब होता है कि आप जिनकी भी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी देवी देवता को आप मान रहे हैं, उन तक आपकी पूजा और भक्ति पहुंच रही है, वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बन रही है, भक्ति से भाव से पूजा करने से भगवान जो है वो आप तक बात पहुंचाते हैं इसी कुछ माध्यमों द्वारा कि वो आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपकी इच्छाएं वो पूरी करने को तैयार है। तो ये सारी बातें तो थी कि दीपक में फूल बनने से क्या होता है, उसका क्या संकेत होता है। तो बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर कि यदि दीपक में आपके फूल लगते हैं कुछ इस तरह से जैसा आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको एक ही चीज़ करनी है। आप जो भी देवी देवता, अपने इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, आप शिव जी के भक्त हैं या गणेश जी के भक्त हैं या राधे कृष्ण के भक्त हैं या हरि भक्त हैं या माता लक्ष्मी के उपासक हैं, आप जो भी देवी देवता को मानते हैं, जिनके नाम से आप पूजा साधना दीपक लगाते हैं, जिनके नाम से आप भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, जिनको भी आप अपने सच्चे हृदय से मानते हैं, आप उनके जो मंत्र हैं उनका 108 दाने का जो माला आता है उसे एक माला आप जरूर नित्य अपनी पूजा में जाप कीजिए। आपको फल देखने को मिलेगा, आपको फल ज़रूर मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके जीवन से दुख बाधाएं समस्याएं सारी खत्म होगी, कष्ट दूर होंगे और आपके अच्छे दिन आएंगे। तो यही एक काम है जो कि आपको करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगी मैं फिर से आप सभी के सामने। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।